जीन टुंडा इस कविता के बारे में, जब जूम मीट हुई थी तो संत कबीर के बारे में जानकारी आपको गई थी और तीन दोहे के बारे में जानकारी संक्षिप्त में हुई थी। तो आज पहला दोहा जो है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात संत कबीर जी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान से, धन से, गुणों से बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है, तो उनका फायदा लोगों को होना ही चाहिए, तो वह बड़प्पन का फायदा है। अगर वह जो उनके पास गुण है, बहुत सारा बड़प्पन है, पैसा है, धन है, और उनका फायदा अगर अन्य लोगों को नहीं हो रहा है, तो उन बड़प्पन का फायदा है क्या, उन बड़े लोगों का क्या फायदा? तो वह समझाने के लिए संत कबीर खजूर के पेड़ का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जैसे खजूर का पेड़ जो है लंबाई में बहुत है, बहुत बड़ा ऊंचा है, पर उसकी विशेषता क्या है? उसकी दो विशेषता आपको लिखनी है। एक तो बहुत बड़ा होने के कारण फल आसानी से कोई भी उसके ले नहीं सकते, एक तो बहुत ऊंचा वो होता है, और दूसरी कि उसकी पंथी को छाया भी नहीं मिलती। पंथी मतलब कौन? पथिक, पेड़ तरु, जो आने जाने वाले पथिक है, राहगीर है, उनको छाया। कोई पेड़ जो है कितने ही छोटे हैं पर घने होते हैं, तो उनकी छाया मिलती है, उनके फल फूल से वो लदा-लद भरे हुए रहते हैं। ये पत्थर मारो फिर भी उसके बदले में वो फल ही देते हैं। परंतु खजूर के पेड़ वो, और वो बड़े लोग कि जो बिल्कुल भी किसी काम के नहीं आते, यह दोनों का उदाहरण समझाने के लिए देना है खजूर के पेड़ की विशेषता बड़प्पन के साथ। अब यहाँ पर दूसरा दोहा जो कहा है गुरु शिष्य के बारे में कहा है कि शिष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए और गुरु का क्या कर्तव्य होना चाहिए। ये दो बातें आपने समझ ली, मतलब दूसरा दोहा पूर्ण होगा। शिष्य के लिए यहाँ पर शब्द आया है शिष्य। शिष्य मतलब ये दिमाग सर, यह अर्थ लेना नहीं है, उसे शिष्य कहते हैं। शिष्य, शिष्य, बिना तक शब्द भी होते हैं, तो ये सारे छोटे छोटे वर्तन की गलतियां ध्यान रखने। शिष्य तो शिष्य का कर्तव्य ऐसे है, ऐसा होना चाहिए कि गुरु को समर्पण कर कर सब कुछ दे दे। शिष्य का कर्तव्य यह होना चाहिए कि स्वयं शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि गुरु को अपना सब कुछ देने के लिए उसकी तैयारी होनी चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। तो फिर गुरु का भी क्या कर्तव्य है? तो गुरु का ऐसा चाहिए कि मुझे शिष्य से कुछ भी लेना नहीं है, मुझे सिर्फ उसको ज्ञान ही ज्ञान देना है। मुझे मेरे द्वारा जितने कुछ अच्छी बातें हैं वो मुझे देना है। मतलब दोनों का यह कैसे रहेगा, बैलेंस कैसे रहेगा कि गुरु को यह सोचना है कि मुझे बस उसको ज्ञान ही ज्ञान देना है, सारी अच्छे अच्छे बातें सिर्फ प्रदान करनी है, देना है, और शिष्य का समर्पण न होना चाहिए, मैं सब कुछ गुरु के प्रति समर्पित कर दूं। पुराने जमाने की इस दोहे के इसमें आपको क्या गृह कार्य करना है कि गुरु शिष्य की जोड़ियां लिखनी है। लगभग 10 नाम आपको लिखने हैं, गुरु शिष्य की जोड़ियां के नाम लिखना है, और स्वमत का प्रश्न इस दोहा क्रमांक 2 के आधार पर स्वमत का प्रश्न प्रश्न तैयार करना है, लिखना है आपको कि आपके हिसाब से गुरु कैसा होना चाहिए, और अगला प्रश्न कि शिष्य कैसा होना चाहिए। उसमें ये दोहे की ही बातें लिखनी है ऐसा नहीं, आपको स्वमत लिखना है। ये हुए दो दोहे। अब तीसरा दोहा संगत के बारे में बताया है कि जैसे आपने ये तो हमेशा सुना होगा कि टोकरी में बहुत सारे अच्छे आम हैं, पर एक सड़ा आम सभी आम को क्या कर देता है, सड़ा देता है। तो संगत हमारी ऐसी होनी चाहिए, अच्छा ही अच्छे लोगों के साथ ही संगत है। जैसे अक्सर यह भी कहते हैं कि मेहंदी निकालना है, दूसरों के हाथ पर मेहंदी निकालने वाले की अपने आप अपने हाथ रंग जाते हैं, उसे कुछ भी ज्यादा जरूरत आवश्यकता या मेहनत करनी नहीं पड़ती। मतलब अच्छे काम करो, अच्छे के साथ रहो, अपने आप अपने में अच्छे गुण आ जाते हैं। यह समझाने के लिए दोहा क्रमांक 3 में उदाहरण यह दिया है कि कबीरा कहते हैं कि हमेशा साधु की संगत कीजिए। साधु यहाँ पर दूसरे अर्थ में प्रयुक्त है, संत इस हिसाब से यहाँ पर ऐसे नहीं है, तो अच्छे लोग, सज्जन लोग, साधु, हमेशा
सज्जन लोगों की ही संगत कीजिए, जो गंधी की बास, गंधी की बास, गंधी अर्थ ध्यान में लेना है कि इत्र बिकने वाला, इत्र जो अच्छी सुगंध वाला, यहाँ हम लगाते हैं सेंट पवारा जो मारते हैं, इत्र की इत्र गंधी की बात। तो जैसे ये इत्र बेचने वाले दुकान में अगर हम सिर्फ बैठे रहे उनके पास ही, भले उसके नजदीकी न जाए, दूरी बैठे, फिर भी अच्छा हमारे लिए क्या होगा कि वो सुगंध अपने आप हमें मिलेगी ही। इत्र बेचने वाले की वो कुछ भी हमें नहीं देगा, गंदी कुछ भी नहीं देगा। गंदी शब्द यहाँ पर तीसरे दोहे में आपको ठीक तरह से अर्थ ध्यान में लेना, इत्र बेचने वाले को गंदी कहते हैं यहाँ इस दोहे में। बाकी कि वो गंदी जो है, इत्र बेचने वाला जो है, भले हमें कुछ नहीं दे, सिर्फ हम उनके पास रहे, साथ रहे, फिर भी वो सुगंध आएगी ही। तो इससे अर्थ यह कि हमेशा हमें सज्जन लोगों की ही संगति में रहना है, दुर्जन से हमें कोसों दूर रहना है। वो भले ही उसके विचार से वो कैसा ही रहे, पर हम अगर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं तो उसके बुरे विचार अपने में आने में देर नहीं लगेगी। और जीवन में यही तो होता है, अच्छी बातें जीवन में अंगीकार करने के लिए काफी समय गुजारना पड़ता है, पर बुरी बातें के लिए बिल्कुल कुछ भी मेहनत नहीं करो, फिर भी वो अपने आप आती। तो इसीलिए अच्छा यही है कि दुर्जनों से दूर रहे, बुरे लोगों से दूर रहे, गंदी की इत्र बेचने वाले के पास रहे, साथ रहे। चौथा है दुर्व। अब ये यहाँ पर है ना, हर दोहा अलग अलग अर्थ का है, अलग अलग बातें एक दूसरे से संबंधित नहीं। जैसे बाकी पद्य कविताएं कैसी होती है कि एक कोई अर्थ देते हैं और पूर्ण कविता होती है, यहाँ हर हर दोहे में अलग अलग अर्थ है। बिल्कुल आसान से है, समझने में बहुत ज्यादा आपको आसान रहेंगे अगर मेरा ये जो वर्णन आप सुनोगे। तो दोहा क्रमांक चार में बताया है कि दुर्बल व्यक्ति को कभी भी सताना नहीं चाहिए, उनकी आह जो होती है मुंह से अगर बुरे शब्द निकले तो वो बहुत ही खतरनाक होती है। वो आह, वो शाप तौर पर हमारे जीवन में जो लग जाता है वो सबसे बुरा होता है। तो जीवन में कभी भी किसी का भी शाप नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल उनकी आह। यह समझने के लिए उदाहरण किसका दिया है संत कबीर जी ने, तो उदाहरण दिया है बिना जीव की, मतलब निर्जीव लुहार की जो धोकड़ी है ना, जो मरे हुए चमड़ी की खाल से बनाते हैं, और लुहार ये जो तपती हुई ये जो अग्नि होती है और उसमें लोहे की चीजें बनाते हुए आपने देखा होगा लुहार को, तो ये लुहार जो वो धमनी से करता है, निर्जीव होती है वो, उसमें कोई भी जीव नहीं है, फिर भी वो निर्जीव हुई धमनी की आह जो निकलती है ना, उसकी जो पूरी मतलब वो आह उसके मुंह से जो निकलती है, तो उससे इतना बड़ा ये जो लोहा है, इतना कठिन लोहा है, ये लोहा भी क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है। कैसा लोहा और किस आकार का बन जाता है, क्योंकि उस धमनी से, निर्जीव धमनी से आह निकली है, मतलब बुराई हुई, ये जो बहुत ही शाप निकला है। तो जीवन में भी ध्यान यह कि कभी भी दुर्बल लोग जो है उनको सताना नहीं। अक्सर हम हमेशा कहते हैं सांप को मारते हैं, वो तब कोई कर नहीं पाता, फिर वो अगले जन्म में हम पर फिर से किसी न किसी रूप में हमें तकलीफ देता है। ये जो कहीं कहीं सुनाई बातें है ना, पौराणिक या बूढ़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना, उसके पीछे निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा कि दुर्बल लोग है, प्राणी है, पशु है, पंछी है, विद्यालय से घर जाते वक्त यहाँ वहां जाते वक्त कुत्ते को बिना वजह ही पत्थर लेना, फेंक देना, उससे जो आह निकलती होगी वो तो कहीं ना कहीं हमें लगती होगी। तो दुर्बलों को कभी भी न सताए, वो उसका उदाहरण समझाने के लिए लुहार का, धमनी का उदाहरण दिया है। यह हुआ दोहा क्रमांक चार। यहाँ पर ये जोड़िया आपको दो अंक के लिए पूछी जाएगी, ये जोड़िया मैंने लगा कर दी है, गुरु कुमार बाहर चोट इस तरह से। और अगला पांचवा जो दोहा है उसमें गुरु और शिष्य को यह कहा है। अब दूसरे दोहे में भी गुरु शिष्य का, पर यहाँ कर्तव्य का है, शिष्य का कर्तव्य क्या है, गुरु का कर्तव्य क्या है, पर यहाँ पांचवे दोहे में जो कहा है कि जिस तरह से कुम्हार है घड़ा बनाता है, तो घड़ा बनाते वक्त एक हाथ उसका बाहर होता है, थपथपाता है, वो चोट नहीं पहुंचाने की उसकी इच्छा होती, थपथपाता है, और अंदर एक हाथ होता है उसे सहारा देने के लिए, आकार देने के लिए। सहारा भी
और घड़े का आकार भी, और ऊपर से वो धीरे 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 थपकी देता रहता है। बस यही कुमार और गुरु यह ध्यान में रखना है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। गुरु कौन है? कुमार है। और शिष्य कौन है? कुंभ है। कुंभ मतलब क्या? घड़ा। यह शब्द भिन्नार्थक शब्द, कुंभ शब्द के दो अर्थ, जो 12 वर्ष में आता है कुंभ स्नान करते हैं वो भी अर्थ है, कुंभ मतलब घड़ा भी। तो अंदर सहारा, बाहर चोट, जैसे कुमार बाहर चोट देने का कार्य करता है और अंदर हाथ जो है उसको सहारा देने का होता है, तो गुरु वैसे ही हो। दोहा क्रमांक 6, ये जो हम देख रहे हैं, जाको राखे साइया मारी न सके कोई, बालन बाका करी सके जो जग बैरी होए। इसमें आपको मैं एक प्रश्न कि मुहावरा कौन सा आया है इस दोहे में? बाल बाका न करना, कुछ भी न बिगाड़ना, या शरीर के अवयव पर आधारित एक हद मुहावर लिखिए, मुहावरा लिखिए, ऐसे भी कृति पूछी जा सकती है। तो बाल बाका न करना। साइया, साई मतलब शिरडी के साई बाबा ने, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान, ईश। तो जिसके माथे पर भगवान का हाथ है उससे कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, और उसका बाल भी बाका कोई कर नहीं सकता, जिसका बैरी भी कोई हो नहीं सकता। बैरी मतलब कौन? दुश्मन। तो जिस पर प्रभु का हाथ है, प्रभु के साथ जिसका घनिष्ठ नाता है, संबंध है, उसका कोई न बाल बाका कर सकता है, न कोई बिगाड़ सकता है, न जिसका कोई बैरी हो सकता है। बैरी जिसका विलोमर्थी शब्द लिखे, ये भी कृति पूछी गई, तो क्या लिखना है आपको? दुश्मन का दोस्त, इस तरह से। तो विलोमर्थी शब्द लिखे, समानार्थी के। अगला दोहा जो है, नैनो अंतर आओ तू नैन झपी तो ही ले, ना मैं देखो और को न को तो ही देखण देव। कि मेरे अंतर में, अंतर भिन्नार्थक शब्द है, अंतर मतलब दूरी भी, अंतर का दूसरा अर्थ होता है हृदय भी। कि मेरे नयन में, मेरे अंतर में ईश्वर ही ईश्वर व्याप्त है, हे भगवान तू मेरी आंखों में इस तरह से समा जा कि मैं आंखें बंद कर लूं और बस मैं ना किसी को देखूं ना कोई मुझे देखे, इतना मैं भगवान के प्रति अर्पण समर्पित हो जाऊं कि मुझे और कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे आंखों में ही भगवान तुम इस तरह से समा जा कि मैं आंखें बंद करूं तो बस भगवान ही भगवान सिर्फ आंखों में है, अंतर में है, मेरे रोम रोम में समा, ना मुझे किसे देखना है ना कोई मुझे देखेगा। और आगे, लाली मेरे लाल की जित देखो जित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। लाल लाल शब्द अनुप्रास अलंकार आया है, परंतु यह अर्थ क्या ध्यान में रखना है कि हे प्रभु भगवान की लाली जो है, लाली अर्थात महिमा, सब जगह व्याप्त है, सब जगह भगवान भगवान है। तो तित देखन में गई, तित मतलब वहा, कि वो लाली देखने में मैं वहां गई कि कहाँ भगवान व्याप्त है, कहाँ सब जगह है, वो देखने में गई तो मैं ही लाली हो गई, मैं ही वही समा गई। ये अर्थ है, सब जगह भगवान ही भगवान है, सिर्फ आंखों में देखने जैसे नहीं, मैं ही वही वहां पर समा गई। अगला मुहावरा, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट में पियो है दुनिया जाने नहीं। मृग शब्द भिन्नार्थक शब्द है, उसके दो अर्थ लिखी है, मृग हिरण, मृग नक्षत्र, ऐसे भिन्नार्थक शब्द भी आपको ढूंढ कर लिखने कि जिस तरह से यह कस्तूरी मृग हिरण होता है, उसके नाभि में बिल्कुल इतनी सुहास होती है, परंतु वो वन में ढूंढता रहता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है। बस वैसे भी तो स्थिति मनुष्य की है कि उसके अंतर में ही ईश्वर विद्यमान है, सारी अच्छाइयां है, पर यह वहां वो ढूंढता नजर आता है। इसके बारे में ये हमें देखना है कि कस्तूरी की खोल, यह जो है ना कृतियों के लिए एक एक अंक के लिए शब्द पूछा जाता है, शब्द समूह के लिए शब्द एक अंक है, कस्तूरी की खोज करने वाला मृग, कविता के आधार पर, किनारे पर बैठा रहने वाला बौरा, तीन नौकों वाला अस्त्र त्रिशूल। भिन्नार्थक शब्द मतलब एक ही शब्द के भिन्न अर्थ होते हैं, जैसे मैंने मृग का कहा है हिरण भी नक्षत्र, वैसे इन सारे शब्द के आपको भिन्न भिन्न अर्थ क्या है वो लिखने हैं। जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पेट, जो बोरा डूबल डरा रहा किनारे बैठ, जो तो के काटा बोए तो ही बोई तू फूल, तो ही फूल को फूले बापते है त्रिशूल। जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पेट,
जो बोरा डूबन डरा, जो बोरा बोरा मतलब पागलपन कि डरता है, तो वो किनारे पर बैठा रहता है, कहाँ आगे जाने की कुछ बात ही नहीं करता, वो किनारे पर बैठा रहेगा, पागल है, डरता है। तो वही पर जो जिन ढूंढा तीन पैया गहरे पर, जो ढूंढेगा गहरे पानी में उसे बस वो मिल सकता है। तो इस तरह से ये सारे दोहे जो है मैंने जो कुछ वर्णन आपको अभी कहा है वो आप सुनोगे बार बार, ये दोहे जो है वह आप पढ़ोगे। और मैंने जून मीटिंग में कहा था कि इसका गायन कीजिए अपनी आवाज में और वो बार बार सुनिए, और फिर दोहे में अगर कोई कठिनाई आती है तो जैसे फिर से हम जून मीटिंग लेंगे वह चार्ट में आप वो शंका डाल सकते हैं, उसका समाधान होगा। तीसरा पाठ हम बाद में देखेंगे।